आज की मॉर्निंग सच में गुड हो रही है। सुबह सुबह योगा प्रैक्टिस करके खुद के शरीर को और मजबूत बनाना है, क्योंकि आज का आखिरी दिन है, आखिरी पड़ाव ट्रैक का, फिर ट्रैक खत्म हो जाएगा। ट्रैक का आखिरी दिन और आखिरी दिन के शुरुआत में ही ऐसे लग रहा है कि मुश्किल पैच सामने है। पानी बह रहा है नीचे से और ऊपर से एक लकड़ी, और एक ही इंसान एक समय उस लकड़ी से जा सकता है, तो इस पार से उस पार हमें जाना है। देखिए सामने, चलो चलते हैं। ये हमारे साथी धीरे धीरे और हमारे गाइड सहारा देते हुए हम सबको इस किनारे से उस किनारे तक ले जा रहे हैं। कुछ कुछ अकेले चले गए, कुछ को सहारा देते हुए लेके गए। फाइनली सारे आगे इस तरफ सक्सेसफुली चल रहे अभी आगे की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। आज ऐसे बताया गया है कि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही, थोड़ा इंक्लाइन और फिर डिक्लाइन है पूरी तरह से, क्योंकि आज का आखिरी दिन है, नीचे जाना है। देखते हैं, बताया गया है इंक्लाइन है थोड़ा और फिर डिक्लाइन ज़्यादा है और काफ़ी छोटा पैच है ऐसे बताया गया है, लेकिन कितना हम ये सच माने पिछले कुछ दिनों से समझ में आ रहा है कितना सच माने इस बात को। लेट्स सी। वैसे आज का इमोशन, आज की फीलिंग्स थोड़ी अलग है। आखिरी दिन है और सब साथ में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे, हर कोई कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करे आज के दिन, क्योंकि कल के बाद फिर वही आम जिंदगी, रोज का काम। सबके चेहरे पे दिख रहा है कि आज का ही दिन है जिंदगी जीने के लिए, इस तरह से हर कोई एंजॉय करना चाहता है, मजे लेना चाहता है ये दिन के, क्योंकि ये दिन आज खत्म होने के बाद कल की रेगुलर लाइफ शुरू होने वाली है। पहली बार आज हमें ट्रैक में बारिश मिली है और सारे हम खुश हैं कि एटलीस्ट हमें ये मज़ा भी अनुभव करने मिल रहा है कि बारिश में किस तरह से हम ट्रैक करें। और ये ऐसे लग रहा है कि एलियन है, बड़ी स्पेसशिप ज़मीन पे उतरी है, हम सब रेनकोट पोंचो पहन के निकल रहे हैं। रास्ते में हमें आर्मी कैंप दिखा और हमारा इंडियन फ्लैग दिखा, तो हम शुरू हो गए सब। शुभ आशीष मांगे।
अनुभव के साथ बादलों में चलना और ये नए प्रकार के पेड़ पौधों को देखना बहुत मज़ेदार बात है और हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं कितना चलना है, क्या चलना है, लेकिन मज़ा आ रहा है। हर कोई एंजॉय कर रहा है आज का दिन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि हमें ट्रैक में बारिश का भी आनंद मिल जाए, उसका भी चांस मिले। और हमारा नसीब इतना अच्छा था, ट्रैक के पिछले चार दिन में बारिश नहीं गिरा और आज हमारा आखिरी दिन है, बारिश गिरा। क्योंकि अब टेंशन नहीं है, कपड़े भीग गए तो भी हम पहुंच रहे हैं नीचे, ट्रैक ख़त्म हो रहा है। लेकिन यही बात अगर पहले होती थी तो शायद कुछ कैंप साइट में हमें दिक्कतें होती थी। तो भगवान हमारे साथ है इस ट्रैक में और इतना बढ़िया नज़ारा हमें आखिरी दिन दिखाया बारिश के साथ, और हमारा ट्रैक आज ख़त्म होने जा रहा है। मिनटों में बदलता हुआ वातावरण, मिनटों में बदलता हुआ नज़ारा, ये चीज़ पता नहीं और कहाँ देखने मिल सकती है। मिनटों में बारिश, मिनटों में बादल, मिनटों में बादल पूरे हटना और साफ दिखना हर एक चीज़, विजिबिलिटी क्लियर होना, धुंधला दिखना, थोड़ी धूप आना, ये सारी चीज़ें देखते हुए कुछ अलग आनंद। ये फाइनली हमें हमारी बस दिख गई है, इस बस से हम चलेंगे बेस कैंप। तो ट्रैक फाइनली ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमें फिर आज झूठ बताया गया, वो हमारे अच्छाई के लिए बताया गया था कि थोड़ा सा ही डिक्लाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा था, पैरों की उंगलियां जैसे टूट गई हो ऐसी फीलिंग है। बहुत थकान के बाद हम यहाँ पहुँचे बारिश में से। देखिए सब बड़े खुश है कि रिटर्न जा रहे हैं, सबने अपने अपने सीट पकड़ ली, अपने अपने जगह पर बैठ गए, आने वाले कुछ घंटे अभी शायद सो जाएंगे।
बाय बाय कश्मीर, फिर मिलेंगे ज़रूर।